कैथल में अनाज मंडी के मजदूर गए हड़ताल पर। हड़ताली मजदूरों का कहना है कि सरकार ने हमारी मजदूरी 12 रुपए 41 पैसे थी, जो अब घटाकर 10 रुपए 41 पैसे कर दी है। ऐसे में सीधे तौर पर 2 रुपए की कटौती की गई। महंगाई के दौर में मजदूरी बढ़ाना तो दूर की बात, उल्टा इसे घटाया जा रहा है, जिसे पल्लेदार यूनियन कभी सहन नहीं करेगी। इसीलिए वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल से आढ़ती और किसानों में रोष है, क्योंकि किसानों की फसल मंडी में है और मजदूर हड़ताल पर। आढ़तियों का कहना है कि अगर हड़ताल जारी रही तो मंडी खचाखच भर जाएगी। देखो जी, पहले जो रेट था उस कम से कम वो तो रहना चाहिए जी, जो कि ये समस्या आ रही है जी मंडी में। लेबर साहब भी हड़ताल पर बैठी हुई है, और ये मैं ये कहता हूँ कि भाई पिछले के दौरान मजदूरी वही लगा के और हड़ताल खुलवा देनी चाहिए जी। नहीं, ज़्यादा माल लग गया एकदम, मतलब कवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पल्लेदार हड़ताल पे चले गए, सरकार ने रेट घटा दिया, इनकी मजदूरी घटा दी, कह रहे हैं गलत किया करे जी सरकार ने, मजदूरी बढ़ानी चाहिए थी, घटाई क्यों है? और तो सभी खर्चे बढ़ने लग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कराया। तो क्या फर्क पड़ने वाला आपको? आप जी तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसमें जी, कल के ही मंडी में बैठे हैं, उधर खेत में जीरी खड़ी है, इधर पूरा पैरा बढ़ना हो गया। तो कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा जी, सरकार ने इनकी मांगे माननी चाहिए और जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए मंडी में। सर, हड़ताल का मुख्य कारण है हरियाणा सरकार ने मार्केट कमेटी अधिनियम पंचकुला बोर्ड ने पल्लेदार साथियों की मजदूरी घटा दी है। पिछले साल 12 रुपये 41 पैसे 50 केजी की दर से पल्लेदार साथियों को मजदूरी मिलती थी, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने पंचकुला बोर्ड अधिनियम ने 12 रुपये 41 पैसे की बजाय 10 रुपये 31 पैसे मजदूरी की जो रेट लिस्ट है वो जारी की है। उसके विरोध में, इस अन्याय के खिलाफ हरियाणा प्रदेश के अंदर 114 अनाज मंडियां हैं और सभी अनाज मंडियों के पल्लेदार हड़ताल पर बैठ गए हैं। जब तक सरकार हमारे रेट को, महंगाई को देखते हुए 5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाकर मजदूरों को नहीं देगी, तब तक हरियाणा प्रदेश की 114 अनाज मंडियों का एक एक पल्लेदार हड़ताल पर रहेगा। बहरहाल अब देखना ही होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगे मानती है या फिर ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।